पहले तो सिर्फ जो है गिनी फॉल जो है इनको तंग करती थी कबूतरों को, अब जो है खरगोश भी तंग करते हैं। तंग क्या करते हैं, वो बेचारे भी जो है दाना जो है डाला होता है वो खाने आते हैं। मैंने हालांकि उनको अलग डाल के दिया पर नहीं, वो इधर खाना उन्होंने। और अब माशाल्लाह जो है ना सुबह आता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, रौनक हुई भी होती है इधर, फुल माहौल बना हुआ होता है। अभी जो है गिनी फॉल मुर्गियाँ थोड़े, मैंने बोला थोड़ी देर बाद खोलूँ, क्योंकि आप लोगों को जैसे पता है कि मैं पहले जो है बाकी परिंदे खोलता हूँ, उसके बाद जो है एंड में मुर्गियाँ, फिर सबसे एंड में जो है गिनी फॉल खोलता हूँ। और वो देखें सुबह सुबह ही सिराजी जो है ऊपर जाके बैठ गया। अब मैं सोच रहा हूँ इनके नाम भी रखता जाऊँ, क्योंकि इस तरह तो मज़ा नहीं आ रहा बोलने में। अब आहिस्ता आहिस्ता सब परिंदों का जो है नाम रखता जाऊँगा। ये देखें सुबह सुबह का टाइम और ये ऊपर पहुंच चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों रात को जो है हमारा एक माइंड बना, क्योंकि अंदर मास्टर केज के अंदर कुछ भी नहीं रखा हुआ था जिसपे परिंदे बैठ सकें। यहाँ से अंदाज़ा हुआ कि इनको जैसी जगह चाहिए बैठने के लिए। पहले तो मैं समझा था कि नीचे इधर उधर बैठ जाते हैं सुकून है। अब ये देखें ये रस्सी मैंने बांधी थी बल्ब के लिए, तो ये अब सारे परिंदे इस पर आके बैठते हैं। तो अभी जो है रात को हमने इस तरह कुछ बनाया है, अभी इसमें बाकी चीज़ें लगेंगी। स्टैंड बन रहा है, तकरीबन दो एंड में लगेंगे और दो इधर पाँव लगेंगे। जो स्टैंड बन जाएगा फिर इसको यहाँ रखेंगे ताकि परिंदे सारे आराम से बैठें। और ये इसलिए हमने गैप वाला बनाया है ताकि ये कोई भी जैसे पौधा बड़ा होता है तो वो इसके अंदर से निकल सके बाहर, मतलब वो ना हो ज़्यादा, इसलिए हमने इतना गैप भी रखा है। और जो है इसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो हैं अभी लगाएंगे भी, जिससे ये खूबसूरती में आएगा। तो ये जो है रहमान ने आइडिया दिया कि यार ये कर लेते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे तो मैं सोच रहा था कि सिंगल सिंगल लकड़ी लगाते, सुना नहीं यार इस तरह जो है ना बना के उसको लगाते हैं। आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे और लगाएंगे। तो आप लोग देखें कितना खूबसूरत जो है मास्टर केज अब लग रहा है। शुरू में कैसा खाली खाली लगता था, अब आप लोग देखें कितना प्यारा लग रहा है। काफ़ी परिंदे हो गए हैं, अब इसमें स्ट्रॉबेरी फिंच भी आ गई है, डव भी आ गई हैं, उसके अलावा बटेर भी आ गए हैं, उसके अलावा जो है ये लक के जोड़े भी आ गए तीन। अब एक जोड़ा जो लेके आना है वो है इसका जो गुब्बारा कबूतर होता है, बहुत बड़ा कबूतर होता है, वो लेके आऊँगा अनकरीब इंशाल्लाह, वो भी ले आऊँगा। पर पहले जो है इसको जो है मैं बोल रहा हूँ मेनटेन कर लूँ, पूरा जो है पूरा सेट कर लूँ, जैसे ये मास्टर के इस तरह बना लूँ, इसके अलावा बाकी जो चीज़ों की सेटिंग करनी है वो कर लूँ। क्योंकि परिंदे लाता रह जा रहा हूँ और उनकी सही से प्रॉपर सेटिंग नहीं करा, तो ये समझेंगे शौक नहीं कर रहा ये, बस अपना टाइम पास कर, तो इसलिए मेरे को अब शौक के हिसाब से इनकी सबकी जो है अपना प्रॉपर जो है सेटिंग करूँगा। प्रॉपर सेटिंग करने के बाद उसके बाद जो है मैं सोच रहा हूँ कि फिर आगे जो है कोई और आइटम लेके आऊँगा। अब जो है मेरा जो माइंड है कि अभी मास्टर केज के ऊपर जो है ना पूरा मेहनत करके इसको लाइट भी लगा दी, अब ये डंडियाँ भी लगा दूंगा जो इनकी बैठने की जगह होती है। फिर इसके अलावा जो है मेरे को थोड़ा सा कोने पे सेटिंग करनी है, वो भी आज कर दूंगा। इस तरह काफ़ी जो चीज़ें हैं वो आज लगाऊंगा मास्टर केज के अंदर, ताकि मास्टर केज थोड़ा अच्छा लगे। खरगोशों के लिए भी घास ले के आ गया जल्दी से, मैंने बोला ऐसा ना हो कि ये बाजरे से इनका जो है बीमार हो जाए। अब ये सारे निकल के आ रहे हैं, अभी चार नज़र आ रहे हैं, ये छुपा हुआ है एक और पता नहीं, एक वो भी निकल रहा है। और आज गर्मी इतनी सख्त हुई हुई है, क्या बताऊं मैं आप लोगों को, कि मैं हालांकि छाँव में खड़ा हूं और सुबह का ही टाइम है अभी, इतना मतलब दोपहर नहीं हुई है, 11:30 का टाइम है, पर धूप जो है बहुत सख्त निकली हुई आज, और यहाँ भी तपिश जैसी आ रही, इतनी गर्मी है आज। देखें ये लोग जो हैं पहुँच गए, ये चार अभी पहुँचे हैं, एक वहाँ जो छोटा बच्चा है वो छुप के बैठा हुआ है और एक उधर है, और मुर्गियाँ भी इनके साथ मज़े ले लेके खा रही हैं, हालांकि मुर्गियों का है ही नहीं, पांचों मुर्गियाँ पूरे, बस ये खरगोश एक आ गया, ये भी इसको भी भगाते हैं ताकि ये भी उधर जाके खा ले। चलो डरते बहुत है, हाँ आप क्या, तू भी चला जा भाई खा ले, उधर जाऊँगा तो ये भागे ना, ये देखो इसलिए मैं इधर आ नहीं रहा, चलो खुद आ जाएगा ये। अब जो है गिनी फॉल को भी खोल ही देता हूँ मैं, गिनी फॉल को जो है टांगों से पकड़ के निकालना पड़ता है, क्योंकि ये ऐसे जो है ना टांगे चलाती है, देख रहे हो, यहाँ से पकड़ो और ये इसको यूँ छोड़ दो, चल भाई ये देखें इसको भी यहाँ से पकड़ा, असल में टांगों से, क्योंकि टांगे बहुत बुरी चलाती है, और ये छोड़ दिया इनको। अब जो है ये इधर पूरा
जो है सफाया कर देंगी, सब परिंदों को जो है भगा देंगी। ये वो देख रहे मुर्गियों को उधर भगा दिया, हालांकि अपना दाना खाए नहीं, सबको जो है छेड़ना इसने लाजमी है। और वो देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, पांच खरगोश जो है लाइन से बैठ के खा रहे हैं। एक खरगोश जहाँ अंदर घुसा हुआ वो भी आ जाए तो मज़ा ही आ जाए। उसको मेरा ख्याल है खुद ही निकालना पड़ेगा, उसको निकाल के इधर भेजते हैं, क्योंकि यहाँ धूप भी हो रही है और वहाँ जो छाँव है थोड़ी गर्माइश जो है वहाँ कम है, तपिश जो है। जो है शाम के लिए खरगोशों के लिए मैं घास फिर ले आया था, क्योंकि मैं ज़्यादा लेके आऊँ अभी, क्योंकि मुर्गियाँ भी साथ खाती हैं, तो मतलब ये सब मिलके खा लेंगे। फिलहाल इसलिए रख रहा हूँ ताकि मुर्गियाँ इधर खाएं तो खरगोश उधर खाएं, और खरगोश अभी जो है फुल मूड में घूम रहे हैं। आप वो देख सकते हैं कि पाँचों जो हैं, तीन उधर हैं, दो ये देखो घुनी फोल तो मारने में ही तुली हुई रहती है इनको। और अभी ये गमलों में भी घुसे हुए थे, मैंने देखा इन लोगों को, ये सारे आप लोगों को दिख रहे हैं, ये एक साथ अभी आ रहे हैं मेरे पास ही। एक काम करूँ, आ जाएंगे, खुद आ जाएंगे, एक आ गया अब ये बाकी भी आएंगे। घूम रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे घूमते हुए। और मैं जाते जाते ना ये काम भी कर गया था, क्योंकि मैं अंदर जब घुसा दाना पानी चेंज करने, तो ये कॉलोनी बहुत अंधेरे में थी, रोज़ जो था मेरे को लग नहीं रहा था। आज जो है मुझे इसलिए लगा क्योंकि मैं जब इन डोलियों को चेक करने के लिए गया तो ये जगह मेरे को बहुत अंधेरे में लगी। मैंने बोला ये अच्छी बात नहीं है, अंधेरा है इनके लिए, क्योंकि बल्ब का जो सिस्टम है ख़त्म कर दिया, सर्दियाँ चली गई थी इसलिए बल्ब अंदर जलाता नहीं था। तो मैंने बोला यार ऐसा ना उनको नुकसान हो जाए, और तोते भी, तोतों के बच्चे भी थे वो भी डोलियों से निकाले जा रहे हैं बार बार, मिला शायद जो है अंदर गर्माई ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से वो डोलियों में अपने बच्चों को रहने नहीं दे रहे। इसलिए मैंने ये कपड़ा ये हटा दिया, एक दो दिन में जैसे ही और कंट्रोल हो जाएगा टम्परेचर तो मैं फिर पीछे वाला कपड़ा भी हटा दूँगा। अब जो शाम का इनका दाने का भी टाइम हो गया, अब खरगोश तो सारे पहुँच गए, तो मैं इनको भी फटाफट दाना डाल देता हूँ, कबूतरों को और गिनी फोल को जो है यहाँ डालता हूँ, ताकि जो है ये दूसरों को वैसे खाएगी तो ये वहीं, इससे बेहतर है यहीं डाल देता हूँ। अब यहाँ भी डाल देता हूँ ताकि मुर्गियाँ जो हैं वो इधर खा लें, और अब गिनी फोल इधर भी आएंगी। बाजरा भी ख़त्म हो गया तो आज फिर बाजरा लेके आ जाऊँगा। देख रहे हैं आप लोग गिनी फोल जो है ना कबूतरों को बैठने के लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला, ताकि खरगोश भी खाते हैं और गिनी फोल भी हैं, मुर्गियाँ भी, कबूतर भी, सब मिलके खाते हैं, तो इसलिए मैंने बोला थोड़ा ज़्यादा डालूँ ताकि सबको पूरा हो जाए। अब फटाफट जो है मास्टर केज में भी थोड़ा बाजरा डाल ही देता हूँ, क्योंकि उधर भी ख़त्म ना हो गया, वैसे ज़्यादा डाला हुआ था उधर, ये कि ज़्यादा परिंदे हैं तो शायद इधर हाँ ख़त्म हुआ हुआ। इधर भी जो डफ का दाना है वो तो मैंने उसमें रखा हुआ है, ये खुला देता हूँ ताकि बटेर भी जो है वो सुकून से खा लें, और जो चिड़िया है जंगली चिड़िया इसको रेस्क्यू किया हुआ है वो भी मज़े से खा ले। इधर शाम के टाइम इधर बैठ के ड्यूटी देनी पड़ती है, क्योंकि गिनी फोल इधर ना, कबूतर यहाँ दाना खा रहे हैं और जो है वो मुर्गियाँ जो उधर उनके साथ घास खा रही हैं, और ये डंडी पकड़ी हुई होती है ताकि गिनी फोल जो है इधर बाजरा खाए, इनके लिए अलग डाला है, पर ये फिर भी ना इधर आके इनको तंग करती हैं, इसलिए मैंने बोला थोड़ी देर बैठ जाऊँ ताकि सारे जो है परिंदे यहाँ पर दाना खा लें। ये शाम की मेरी ड्यूटी लाजमी हो गई है। वैसे दो तीन दिन से रहमान आ रहा था तो रहमान ड्यूटी दे रहा था और मैं बाकी काम निपटा लेता था, अब ये कि इनकी जो है ड्यूटी मैं दूंगा और फिर उसके बाद जो है काम निपटाऊंगा। और गिनी फोल जो है सब जगह घूम रही होती है, चले अच्छी बात है, ये भी आदत लग जाएगी, यहाँ से आदि हो जाएंगे ताकि कहीं भागे ना, अगर इनके पर बड़े भी हो गए तो। गिनी फोल को मैंने बंद कर दिया क्योंकि बाकी परिंदे जो हैं वो दाना खा लें, और मास्टर केज के अंदर भी सारे परिंदे जो है दाना खा चुके हैं और काफ़ी जो है अपनी अपनी जो है घोंसले जो है उनमें जा रहे हैं, और बाकी यहाँ भी जो है सारे परिंदे जो है तकरीबन जो है खा लिया, कुछ ने नहीं खाया, तो मैंने इसलिए गिनी फोल को बंद किया। और ये कबूतर जो है आज बहुत घूम रहा है, सुबह भी घूमा है और अभी भी उड़ के चला गया था यहाँ, फिर यहाँ इस ऊपर छत पर, फिर ये पूरा घूम के आया, अब मतलब ये हिलने वाला है, अब ये नीचे उतर के अभी वापसी आएगा, देखते हैं। और इसके बच्चों की अपडेट देखते हैं, क्या है इसके बच्चों की अपडेट, कितने बड़े हुए हैं भाई, दिखा दो अपने बच्चे जल्दी से। ये भाई माशाल्लाह, ये बच्चे इनके दोनों निकल आए और दोनों माशाल्लाह इतने बड़े हो गए, अब देखते हैं ये कितने दिन में बच्चे निकलते हैं इसके, और फिर उसके अलावा वो कबूतर के, और बाकी देखते हैं कब तक अंडे देते हैं बाकी कबूतर भी। अब जो है शाम का, रात का टाइम हो गया, अब इनको मैं बंद करता हूँ,
तो ये थी आज की हमारी वीडियो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करना और हमारे चैनल मिनी सफारी पार्क को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।